अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है, टेक अरे ऑफ 10 नंबर्स एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर इन अरे एंड मेक इट ग्रेटर नंबर इन अरे एंड देन प्रिंट न्यू अरे। तो इसमें हमें कहा गया है कि अरे में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और फिर उसको ग्रेटेस्ट नंबर के साथ एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज नहीं करना, उसको ग्रेटेस्ट नंबर बना देना है। ठीक है, तो अब जब ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाना है तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर का भी पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर के साथ साथ। चलो अभी हम फाइंड करते हैं, इसके दो स्टेप है। पहले हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। चलो इसके लिए अभी हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी शुरू में, वेरिएबल्स और एरे की। जो एरे है वो मैं अभी 5 का करता हूँ, क्योंकि 5 का भी ईजी होगा, बाद में 10 का इनपुट देने के लिए हमें आसानी होगी। अच्छा, तो एक वेरिएबल ए काउंटिंग के लिए, लूप के काउंटिंग के लिए ठीक हो गया। उसके साथ एक मैक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी और साथ मिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम लूप में। तो अब हम ए को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, यूज़र से हमने इनपुट एरे ले ली है। ठीक है, तो अभी ये लूप का ठीक हो गया, इज लेस देन 5 का ठीक हो गया। तो हमने यूज़र को पहले मैसेज भी पास करना है कि भाई इंटर करे कुछ, इंटर द ए प्लस 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जन्म ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सी नंबर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा नंबर लेगा। ठीक है, ये तो हमारा इनपुट के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके साथ दोबारा हमने कौन सा है ना, जब इनपुट ले लिए, अभी हमने कंसीडर करना है कि ए इज इक्वल टू इनिशियलाइज करना है मैक्स की वैल्यू। जो मैक्स है वो भी एलिमेंट 0 है, ठीक हो, ये हम सपोज कर रहे हैं अभी। और ये मिन है, ठीक है, इसको भी हमने एरे के 0 के इक्वल ले लिया। ठीक है, एलिमेंट 0 के। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे कि ये वाकई सही है या नहीं। ठीक हो गया, अब हम दोबारा दूसरा लूप लिखेंगे। ठीक हो गया, स्वैप करने, चेक करने के लिए स्मॉलेस्ट एंड लार्जर नंबर के लिए। तो इसके लिए हमने लूप लगाया ये, और इसके अंदर हमने पहली कंडीशन ये लगानी है। ठीक हो गया, इफ़ एरे, अब देखिए हमने इधर 0 इंडेक्स तो इसको दे दिया। ठीक है, ये मैक्स तो ऑलरेडी 0 इंडेक्स के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, और मिन भी। तो हमें अब चेक करना है, इसके साथ कंपेयर करना है फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट से इनिशियलाइज किया है। तो अभी ये ए की, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है, मतलब ये मैक्स के साथ जो दूसरी कंजेक्टिव वैल्यू है, वो अगर मैक्स से बड़ी हुई, ठीक है, तो फिर मैक्स में वो वाली वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक हो गया, वरना फिर कुछ ना करो। और दोबारा ये मिन के लिए भी हमें सेम ऐसी कंडीशन पर साइन चेंज होगा इसके लिए। ठीक हो गया, ये हमने मिन के लिए लगा दिया। ठीक हो गया, तो अब ये मिन इज इक्वल टू, अब इसमें ये कंडीशन लगी हुई कि अगर जो नेक्स्ट नंबर है वो छोटा हुआ तो उसकी वैल्यू मिन में स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया, वरना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। अच्छा, तो ये तो हमारी मैक्स और मिन के लिए कंडीशन लगी है। अभी इसको सी आउट भी करते हैं कि सी आउट मैक्स और मिन। ठीक हो गया, ये सी आउट मैक्स हो गया। ठीक हो गया, ये मैक्स हमने कर दिया। ठीक हो गया, मैक्स ठीक हो गया, और इसके साथ साथ सी आउट मिन भी कर देते हैं। ये हो गया जी मेन। ठीक हो गया, तो अभी चेक करते हैं इसमें। ठीक है, ये मेन और कर रहे हैं, उम्मीद है सही चलेगा प्रोग्राम, माशाल्लाह सही चलेगा। अच्छा, ये 4 ठीक हो गया, 13
सॉरी 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 सॉरी, मैंने ए का इंक्रीमेंट ही नहीं किया कहीं पे भी। वाइल लूप पे तो ये मसले होते हैं, ये वाइल लूप अब सही चलेगा इंशाल्लाह। ये फाइव ठीक हो गई। अब ये देखें, ये मिन बिल्कुल सही बता रहा है, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 2 है ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 13 है। तो हमें मिन और मैक्सिमम तो पता चल गया। अब सिंपली बस काम रह गया जो सा हमने बस इसको अब मिन को मैक्स बनाना है। तो अभी मिन को मैक्स बनाने के लिए हम तो पहले ये जो एरे है इसको तो एज इट इज़ प्रिंट करवा लें पहले ठीक हो गया। सी आउट ये एरे यूजर इंटर ठीक हो गया, ये जो एरे यूजर ने एंटर किया पहले तो ये भी हमें प्रिंट करवानी होगी। अच्छा इक्वल टू 0 ठीक हो गया, व्हाइल ये इज लेस देन 5 हो गया ठीक हो गया। सी आउट आउट इसका ये एरे हो गया, ये तो हो गया ठीक है। अभी ये हमारी जो सी एरे भी प्रिंट हो रही है वो वाली पुरानी वाली, अभी इसको हमने नया करना है ठीक हो गया, न्यू करना चाहिए हो गया। अब हमारा सिर्फ जो काम रहेगा उसको स्वैप करने का ठीक है। अब दोबारा हमें लूप लगाना पड़ेगा इसके लिए ठीक है। व्हाइल ए लेस देन 5 ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें सिंपल जो सी कंडीशन रहेगी है ना वो रहेगी है कि कंपेयर करना है और बस चेंज करना। इफ़ ठीक हो गया एरे ए मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा, तो अभी जिस इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स अगर मैक्स के इक्वल हुआ ठीक हो गया, सिंपल सी लॉजिक है, अगर मैक्स के इक्वल हुआ तो सिंपली उसे हमने चेंज कर देना है ठीक हो गया। बल्कि सॉरी जो भी इंडेक्स अगर मिन के इक्वल हुआ उसको हमने मैक्स से चेंज कर देना ठीक हो गया। तो अब ये मैक्स बन जाएगा ठीक हो गया। बस ये सिंपल सी लॉजिक थी। अभी दोबारा हम इसके साथ जो सा है ना ये प्रिंट भी करा सकते हैं एरे को, एरे ये दिखेगा मेन मैक्स ठीक हो गया। अच्छा तो ये हमारा हो गया ठीक है, और इसके साथ हमने ए प्लस प्लस भी करना है, इधर भी हमने ए प्लस प्लस करना है ठीक हो गया। तो ये है हमारा प्रोग्राम, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो हमने ये 12, 45, 5, 8, 3 ठीक हो गया, हमने 5 नंबर एंटर किए। अब ये मैक्स 45 मेन 3 बिल्कुल सही बता रहा है। अच्छा एरे यूज़र एंटर्ड ठीक हो गया। अब ये जो एरे थी ना ये जो यूज़र ने एंटर किया ठीक है 12, 45 उसी सीक्वेंस के साथ ही शो कर रहा है। अच्छा अब जब हमने चेंजिंग इसमें की है तो अगर आप देखिए ये इधर पहले ये 3 था ठीक हो गया, जो मिन है मिन वैल्यू है ठीक है, ये 3 था ये मिन वैल्यू है देख सकते हैं आप ठीक है। तो अब इसको हमने लॉजिक लगा के इसको हमने मैक्स बना दिया ठीक है, और मैक्स की वैल्यू 45 थी। तो बस सिंपली ये लॉजिक थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।